Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने RBI ग्रेड बी या ECGC PO का फॉर्म डाला होगा और वो अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे. बट मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो SBI या IBPS की नोटिफिकेशन का ही वेट कर रहे हैं, चाहे वो SBI जूनियर एसोसिएट की नोटिफिकेशन हो या IBPS RRB PO क्लर्क और IBPS की बाकी नोटिफिकेशंस का. और अभी वो उस वाले मोड में होंगे कि अभी तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं और कोई एग्ज़ाम की डेट हमें पता नहीं है, तो अभी से हम पढ़ के क्या करें, जब नोटिफिकेशन आएगी तब देखेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि ये जितना टाइम आपको अभी का मिला है, मतलब नोटिफिकेशंस आने से पहले का टाइम आपको मिला है, यही एक डिफरेंस लाएगा आपके सिलेक्ट और सेलेक्ट नहीं होने के बीच में. जो भी कैंडिडेट्स अभी ये समझ लेंगे कि जितना वो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेंगे, इसमें अपने मॉक टेस्ट दे देंगे, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, वो कैंडिडेट्स उतना ही अपनी जॉब को सिक्योर करने के करीब ले आएंगे. बहुत सारे कैंडिडेट्स आप देखते होंगे, मैं अपना खुद का एग्जांपल लेती हूँ कि 2020 में मैंने यही गलती की थी कि नहीं पढ़ती हूँ, बट 2021 में मैंने रेगुलर अपने मॉक टेस्ट दिए, प्रैक्टिस की और आज मेरे पास दो दो जॉब है. मैंने खुद ने भी अभी मेरी SBI की जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज स्टार्ट होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो मैं खुद अपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कराने में बिजी थी अभी कुछ टाइम से. तो मैंने खुद भी कोई मॉक टेस्ट में नहीं दे रही थी, लेकिन आज फिर मैंने थोड़ा बैठा कि अब मैं अपनी दोबारा से बैक टू रूटीन आती हूँ, ताकि जब आगे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मैं उसके लिए रेडी रहूँ. तो आज मैंने अपना SBI क्लर्क का प्रीवियस ईयर, मतलब 13 जुलाई 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर दिया था. ये आप देख सकते हो कि मैंने SBI क्लर्क का मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट दिया है, जो कि टेक्स्ट बुक पे फ्री अवेलेबल है. इसमें मेरा स्कोर है 94, रैंक है 25 और परसेंटाइल है 99.84. मुझे ये बहुत ही एग्ज़ाम लेवल मॉक टेस्ट लगा, मतलब लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था मुझे वही सिमिलर लेवल लगा. उसमें भी मैंने 89 स्कोर किया था और इसमें मतलब मेरा जो स्कोर है वो आया है 94. तो आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को ट्राई करना. और एक टेस्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लगता है कि क्लरिकल लेवल के लिए के एग्ज़ाम को क्रैक करने में एक यूज़फुल रह सकता है. तो और इसके साथ साथ भी काफ़ी रीजनेबल भी है. आई थिंक इनका ईयरली पास 360 रुपीज़ का है. अगर आपको ख़रीदना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड वरु को यूज़ करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 39 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा. अब बात करें मेरे इंडिविजुअल स्कोर की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरा 30 स्कोर है. इंग्लिश और रीजनिंग का लेवल काफ़ी इजी था एग्ज़ाम में भी और यहाँ पे भी काफ़ी इजी था. मैथ्स में सिर्फ कुछ शिफ्ट्स में लास्ट ईयर थोड़ा सा कैलकुलेटिव मैथ्स था, बट वो आज की इस एग्ज़ाम में भी मुझे लगा तो मोर और लेस सेम ही लेवल था. न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैंने 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और रीजनिंग में मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे. इस तरह से मैंने टोटल 94 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे 94 ही स्कोर है और जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो 65 to 70. तो आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को ज़रूर ट्राई करना और आपका जो भी स्कोर आता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लग गया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे अहेड.